हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? तो हेलो अतुल, हेलो एवरीवन। सरप्रीत का रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड अगेन। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सामने। एमपीसीजे बन चुकी है पहेली। वैसे मैं तो बहुत सालों से इसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज के एक नोटिस आया, उससे बहुत सारी चीज साबित हो चुकी है। डिटेल में बात करूंगा। केवल कुछ लोग, आप इसे नोटिस को केवल 2 पेज का नोटिस मत दीजिए। हो सकता है आपने नोटिस देख लिया हो, मैं मानता हूं हो सकता है बहुत से लोगों ने नोटिस देख लिया हो, लेकिन प्लीज इस नोटिस को केवल 2 पेज का नहीं समझिए। इस नोटिस ने बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे मन में थे, या मेरे मन में थे, आपके मन में थे, उनको उसने उत्तर दे दिया। मुझे तो उत्तर मिल चुका है। अब मैं कोशिश करूंगा जो मैंने समझा है मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो बस मैं आपसे चाहूंगा 10 मिनट, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, 10 मिनट। फिर उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो, और पूरा नोटिफिकेशन समझाता हूँ कि नोटिफिकेशन है क्या और कहने की क्या कोशिश कर रहा है। केवल ये नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ये 2 पेज पढ़ने, इससे बहुत कुछ समझ में आ गया कि क्या प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, क्या मेंस में जो बच्चे दे के आए थे क्या उनका मेंस वैसे ही कायम रहेगा, क्या वैकेंसी कैंसिल होगी या नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चों के सवाल थे और मुझे जहां तक है मुझे जवाब मिल चुका है। पर्सनली मुझे तो मिल चुका है, मैंने, और इस नोटिफिकेशन को देख के होने क्या वाला है। तो आप तक अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट नोटिस एमपी हाई कोर्ट ने जारी किया है, और ये नोटिस आप एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। रिजल्ट और रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन होता है वहां पे जाके देख सकते हो। हेलो दिनेश, तो रिजल्ट और रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाके देख सकते हो। और ये है एमपीसीजे एस्पिरेंट्स के लिए, जो एमपीसीजे का एग्जाम दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये नोटिफिकेशन सबको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया है तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो नहीं दिया तो भी है। अब भैया, मैं आपको जनरली से थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ कि एमपीसीजे की वैकेंसी आती है। वैकेंसी में पहले आपका एलिजिबिलिटी था, क्राइटेरिया था, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल थे, 35 साल था, कोई व्यक्ति फॉर्म भर सकता था, और 50% आपको मार्क्स चाहिए पड़ते थे। लेकिन अभी पिछले जून में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को एमपीसीजे में जज बनना है, एमपीसीजे का एग्जाम क्रैक करना है, या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 साल या 70%, 3 साल आपको ऑर्डर वगैरह, हर साल 6 ऑर्डर शीट वगैरह आपको पेश करनी थी, और 70% के लिए सीधा सीधा कह दिया कि 70% चाहिए, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए, 80-80 नहीं आनी चाहिए आपकी। दूसरा, वो सबके लिए 70% था, लेकिन फिर SC ST के रिलैक्सेशन देख के इसको 50% कर दिया गया। तो ये आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू हुआ, इसको बाद में चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बच्चे गए, हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट बच्चे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इंटरिम रिलीफ दे देता है और कहता है सारे के सारे बच्चे पेपर दे दो। तो सबने पेपर दे दिया पुराने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यहां तक तो आपको देखो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू थैंक यू। तो पुरानी की, तो आपकी यहां तक की तो चीजें सारी की सारी क्लियर हो गई कि सारे के सारे बच्चों ने क्या कर दिया, पुराने एलिजिबिलिटी के हिसाब से पेपर दे दिया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मैटर सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, ठीक है। अब जब मैटर हाई कोर्ट के पास था, सॉरी हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो मेरा ऑर्डर है ये सब्जेक्ट इंटरिम रिलीफ थी, और सब्जेक्टेड टू क्या कहा, जो आपका मेन आएगा, सब्जेक्टेड टू मेन जो आपका हाई कोर्ट आपको जारी करेगा ऑर्डर उसके हिसाब से होगा। खैर, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद जैसे मेंस का रिजल्ट आया, मेंस का सॉरी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद मेंस की डेट आई। मेंस की जब डेट आई तो बच्चे सोच रहे थे मेंस क्या एग्जैक्ट डेट को होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल थे। हाई कोर्ट ने 1 तारीख को एक ऑर्डर दिया, और ऑर्डर में कह दिया हाई कोर्ट ने, हेलो संतोष संतोषी, हाई कोर्ट ने अपने 1 तारीख का जो ऑर्डर आया था, जिसको बाद में आपको देखने को मिला, उसने उसने कह दिया कि भैया वो 3 साल और 70% लागू रहेगा। बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, फर्स्ट डे को हियरिंग कैंसिल, मतलब जो फर्स्ट डेट को आपकी हियरिंग थी, अभी 2-4 दिन पहले थी, फर्स्ट हियरिंग में ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे जो पॉइंट्स थे बच्चों के उनको खत्म कर दिया और कहा 3 साल 70% एज इट इज लागू रहेगा। अब जो मन में सवाल आ रहे थे वो ये थे, वेरी गुड इवनिंग। अब मन में सवाल आ रहे थे कि 3 साल 70% तो ठीक है। अब मेरे पास जो सवाल आ रहे थे वो बच्चे कह रहे थे कि सर वो 3 साल 70% तो ठीक है, क्या जिन्होंने एग्जाम दे दिया उनका, जो उनने जिन्होंने मेंस दे दिया, क्या उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेंस का कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना था कि सर जो प्रीलिम्स जिन्होंने दे दिया है, जिन्होंने प्री का एग्जाम दे दिया है, क्या वो
जो जिनका एग्जाम पास नहीं हुआ था, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा, क्या ये वैकेंसी कैंसिल होगी, तमाम सवाल थे। सवालों का जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके पहले आपको बस 1 मिनट में आपको लूंगा कि अन अकेडमी का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, और अगर आप इस ऑफर से चूक गए तो शायद ऐसा ऑफर और ऐसे एजुकेटर के साथ आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। मेरी क्लास प्लस क्लास के मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूँ इस क्लास में, तो वो बता सकते हैं कि किस क्वालिटी और किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, ठीक है? तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं शाबाश10 और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि कल लास्ट डे 50% ऑफ की। मैं इसके बारे में आपको डिटेलिंग में लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर कर दूं। चलिए पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, पहले बात नहीं करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको या तो मिल चुका होगा, जिसको नहीं मिला तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अभी आपको टेलीग्राम की आईडी देके इस नोटिफिकेशन को वहां पे डाल दूंगा। चलिए, जिसको चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। अब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, और ये नोटिफिकेशन कल आया है जबलपुर, और एग्जामिनेशन सेल के द्वारा जारी किया गया। मैंने बोला था एग्जामिनेशन सेल, क्योंकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें लिखा था कि एग्जामिनेशन सेल आपको बताएगी कि आगे क्या करना है, तो उन्होंने ऑर्डर आपको दे दिया। और कहता है कि ये नंबर 66 एग्जाम सीजे 2022 को लेके है, नोटिफिकेशन है, नोटिस एक दिया है। अब उन्होंने कहा इन कंटिन्यूएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब जो ये सीजे का एडवर्टाइजमेंट आया था ना सिविल जज का 2022 का, जिसमें डेट उन्होंने दी है जिसका आपको 17/11/2023 को नोटिफिकेशन आया था, जो ऑल कैंडिडेट्स जो आपके यहाँ कहा गया है कि जिन्होंने जैसे प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, प्री के बाद बच्चों ने मेंस दिया था, अब रिजल्ट आया था, कहता है कि ऑल कैंडिडेट, याद रखिएगा पहला सबसे पहला प्रश्न है कि कुछ लोग कह रहे थे क्या कल सबको ये फॉर्म भरना है, तो मैं कहता हूं जिस जिसने 30 और 31 तारीख को मेंस का एग्जाम दिया था, जिस जिसने मेंस का एग्जाम दिया था, हर बच्चे को यहां पे वर्ड लिखा है हु अपीयर्ड, ऑल कैंडिडेट, हर कैंडिडेट, जो ऑल कैंडिडेट का मतलब सभी लोग जिन्हों जिन्होंने अपीयर हुए थे चारों पेपर में। अगर कोई व्यक्ति चार पेपर में अपीयर नहीं था मतलब वो तो फेल था वैसे ही, अगर आप चार पेपर में अपीयर नहीं होते इट मीन्स आप तो वैसे ही बाहर हो गए। तो मतलब जो व्यक्ति चार पेपर में अपीयर हुआ कोई भी हो, अब वो चाहे, ठीक है। इसके साथ साथ कहता है इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजिए, मतलब आपकी कॉपी होगी, फोटो कॉपी होगी, फोटो कॉपी में आपको खुद से अपने अपने साइन कर देने हैं, ऑफ देयर ऑल रेलिवेंट लॉ डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें लिखी गई हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि अब देखो दोनों चीजें, क्योंकि दो क्राइटेरिया थे, एक था 70% या वो 50% वाला, ये वाला क्राइटेरिया था, और दूसरा था 3 साल वाला क्राइटेरिया, ठीक है, 3 साल की प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट आपके जो मांगे गए थे। तो भैया ऑल ऑल रेलेवेंट लॉ ग्रेजुएशन, अर्थात आपको ये भी भेजना है, जो लोग जिनकी तीन, कुछ लोग बच्चे आए वो मुझसे कहते हैं सर हमारा 3 साल का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम ना भरे, आपको भी भरना है। आपको क्या भरना है कि भैया हम पहले क्राइटेरिया में आते, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया मतलब, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी उसके वजह से जो ऐसे बच्चे थे जिनके 50% से कम था या 70% से कम था, उन्होंने भी फॉर्म भरा और एग्जाम दिया, और हो सकता है बहुत सारे लोगों का एग्जाम निकला हो, मेन्स एग्जाम तक वो भी पहुंच गए हो, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर बच्चा जिसके 70 या 50% है वो अपना फॉर्म भेजिए। अगर अब आपके, अब भैया जिनके 70 या 50% नहीं है तो वो हो गए बाहर, मैं वर्ड यही कह रहा था, मतलब अगर आपके 70 और 50% के हिसाब से आपने फॉर्म भरा था और 70-50% नहीं है, या आपके 70-50% है, 80-80 है, अब आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा, अब किसी ने 70 और 50%, 50 और 70% के हिसाब से नहीं, उन्होंने जो फॉर्म भरा था वो 3 साल के हिसाब से, भैया हमारी 3 साल की प्रैक्टिस थी, अब 3 साल की प्रैक्टिस के जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके मांगे गए थे, आप इसके लिए क्या करोगे, ये नोटिफिकेशन चेक करोगे, इस नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भेजने हैं, ठीक है। टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के जो रूल और रिक्रूटमेंट है ना, इसके हिसाब से अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा गया था। एक तो 3 साल 70%, 3 साल और 70%, 70 का मैं बोल रहा हूँ वो 50 और 70 है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए, 80-80 नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोगों को ये वाले डॉक्यूमेंट भेजने, दो डॉक्यूमेंट मैं आपको मार्क करता हूँ, ठीक है। देर आर टू डॉक्यूमेंट, एक तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, देखिए देर इज अ वन डॉक्यूमेंट ऑल रेलेवेंट लॉ ग्रेजुएशन, और देर इज अ सेकंड डॉक्यूमेंट 3 ईयर कि आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया, इसके डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, कब तक भेजना है, कब तक भेजना है, आगे लिखा है अलोंग कहां पे भेजना है, लिखा है कि ड्यूली फाइल प्रोफोमा, परफोमा, ठीक है, परफोमा। अब आपको नीचे तो क्या दिया, फॉर्म दिया है अटैच विद द नोटिस, जो नोटिस के साथ एग्जाम है, इन द एग्जामिनेशन सॉल ऑन द ईमेल, आपको ईमेल आईडी पर भेजना है, मतलब आप ईमेल आईडी आप देख लीजिए, आपको ये फिजिकली नहीं भेजना बल्कि ईमेल आईडी, लिखा है रजिस्ट्रार एग्जाम HC जबलपुर, मतलब ये रजिस्ट्रार एग्जाम हाईकोर्ट जबलपुर
की और mp.gov.in की एक ये आपको ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द पोस्ट, आपको नेम मेंशन करना है, एमपीसीजे आप पोस्ट कर दीजिएगा, या मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन, एमपी सिविल जज जूनियर डिवीजन करके आपको ये या तो 5 तारीख या उसके पहले भेज देना है। तो अपने फॉर्म तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप नहीं करते, उन्होंने चुनौती दे दिया, अगर आप नहीं करोगे, आप अगर ये चीजों इस प्रोफार्मा में अगर आप चीजें नहीं भेजते हो और जो डेट दी गई है उस डेट को नहीं भेजते, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी कैंडिडेट्स है, ये क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, मतलब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। कोई सोचे कि भैया हम ना भेजेंगे, हमारी तो 69% थी, हम भेजेंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो भाई तेरी कॉपी चेक ना होगी, ठीक है, ये तो कॉपी चेक। अब देखिएगा, हाँ ऋचा, अब क्या कर सकते हैं, मैं तो आपको केवल बताता हूँ, फिर अभी आपके सवाल भी लेता हूँ, पर रुकिएगा। अब उन्होंने जो प्रोफार्मा, जो मैं जिसकी बात कर रहा था, वो ये भेजा है, आपको इसको भरना है, इसको भरना है, इसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा भर के, क्योंकि आपको प्रोफार्मा भरना है। कैसे भरोगे, क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन इसको भर के इसका आप क्या कर लीजिएगा, पूरा यहाँ पे लिखा है, इसकी फोटो वगैरह कॉपी करा के, यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड, आवेदन के हस्ताक्षर और नाम, डेट प्लेस, और ये क्या आप व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के आवेदन प्रस्तुत की अंतिम तारीख 18/12/2023 तक 3 साल की प्रैक्टिस कर चुके थे। अगर कर चुके थे तो केवल सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उस चीज को बनवाना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा आपका, ये लिखा है, और 100 प्रमाणित। इसके साथ साथ अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया तो उसको, और लागू नहीं होता तो वो भी, आपको जो भी लागू होता है उसको लिखिएगा, अगर लागू होता है तो, लागू नहीं होता तो या तो ये दोनों में एक लागू होगा, ये तमाम चीजें केवल सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ आता है ना, पीडीएफ स्कैनर, उससे ये चीजें बनानी है आपको, डायरेक्टली नहीं आपको भेज रहा है, ठीक है। और एक कैटेगरी क्या है, और आपका रोल नंबर क्या था मेंस एग्जामिनेशन का, एमपीसीजे में आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, और ये तमाम चीजें लिख दी। अब देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि कुछ चीजें यहां से क्लियर हो गई जो मुझे हुई, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। पहली चीज, आप जिन बच्चों के मन में था, पहली चीज, कुछ बच्चों के मन में था, क्या ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, क्या ये जो मेंस का एग्जाम हुआ था, ये कैंसिल होगा? तो आंसर है नहीं। पहली चीज, पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट डायरेक्टली आपको बताता हूं, फिर आपके जो सवाल है पूछ लीजिएगा। दूसरा, क्या एमपीसीजे मेंस का जो आपका रिजल्ट है, क्या वो सेम डेट को आएगा जिस डेट को उन्होंने कहा है? एक्चुअली मई की एक डेट है, मई 10 मई के आसपास है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी डेट को आ जाएगा, अब ये मान के चलिए, तो इसलिए क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तीसरा, तीसरा आपका फॉर्म, कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोग जिनका पुरानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से वो बाहर हो गए थे, मतलब प्रीलिम्स में जिनके 112 111 नंबर थे, तो क्या उनका अलग से सेपरेट रिजल्ट आएगा दोबारा? तो आंसर मिलता है नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेंस के लिए वो डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, मतलब मेंस की कॉपी इसी के हिसाब से, जो अभी मेंस आप देख के आए हो ना, देखो ये 30 और 31 तारीख को देख के आए हो, मतलब इसमें जो लोग अपीयर हुए हैं और जो एलिजिबल थे उनको ही पास किया जाएगा। इट मीन्स इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट, और मुझे अब जो पर्सनली लग रहा है कि बहुत सारी वैकेंसी खाली होने वाली है, रीजन मैं बताता हूँ, समझिए 100 वैकेंसी थी, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल समझते हैं, 100 वैकेंसी थी, तो मेन्स में 70% बच्चे तो बाहर हो गए, अब 70% बच्चे बाहर हो गए तो बच्चे 30 बच्चे, अब 30 बच्चे इंटरव्यू में गए, अब 30 बच्चे अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें से फिर इंटरव्यू में भी 20 नंबर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 20, आपको सॉरी 20 नंबर चाहिए, मतलब 40% मार्क्स चाहिए, तो उनके नंबर नहीं आएंगे, तो बहुत सारी वैकेंसी खाली रहने वाली है, याद रखिए। फॉर्मेट भी बता देना, फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, 3 साल का डॉक्यूमेंट क्या भेजना है, एक्चुअली दीप्ति 3 साल का डॉक्यूमेंट आपको वो उस पर ही लिखा है, इन्होंने अलग से कुछ नहीं भेजा, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था ना आपका, नोटिफिकेशन वो 17/11 को, उस नोटिफिकेशन में एक साल में 6 ऑर्डर शीट वगैरह भेजी गई थी, वही जहां तक मान रहा है, क्योंकि इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है कहीं पे भी। इसके साथ है 5 ईयर LLB और 1 to 10 सेमेस्टर के मार्कशीट प्लस डिग्री, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ मतलब आपको देखो लास्ट सेमेस्टर की जनरली भेजनी पड़ती है, क्योंकि आपकी 70% कहाँ पे, कहाँ से पता चलती है, जो आपकी 3 ईयर्स की या 5 ईयर की जो होती है ना निशान, उसमें जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होती है उसमें आपका ग्रैंड टोटल लिखा रहता है और उसी में सब कुछ चीजें, तो मेरे हिसाब से तो आप तो सारी की सारी पीडीएफ बनवा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया, थोड़ा सा इनको और क्लियरिटी के साथ लिखना चाहिए था, लिखा है देखो इन्होंने केवल इतना ही लिखा है, क्या आप विधि स्नातक परीक्षा में 3 वर्ष या 5 वर्ष पाठ्यक्रम अनारक्षित श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में 70% और अन्य दशाओं में, मतलब जनरल और ओबीसी में आपको 70, SC ST में 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया? अगर हाँ, अब आप लिखते हो कि यस हमने भैया किया है, देखो जैसे यहाँ पे हमें पहले कैटेगरी लिखनी है अपनी, तो समझो मैंने अपनी कैटेगरी डाल दी कि मेरी कैटेगरी UR है, ठीक है, मेरी कैटेगरी या UR है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि हाँ भैया मैंने किया है? अगर किया है तो फिर ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ेंगे, ये वाला पॉइंट, और अगर मैंने कह दिया नहीं किया है तो
फिर ये वाले डॉक्यूमेंट आएंगे। अच्छा चलो 70% है या 50% से ऊपर है। अब कहता है इस कंडीशन में यदि हाँ तो विधि स्नातक की प्रत्येक सेमेस्टर की, देखिए हर सेमेस्टर की, आपको अगर आपको 5 ईयर वाला है तो 1 to 10 सेमेस्टर या ट्राई सेमेस्टर या वार्षिक, अगर आपने ईयरली आप क्या होता है, हर आपको क्या करना है 100 प्रमाणित प्रतिलिपियों की क्या बना लेनी है, आपको एक सॉफ्ट कॉपी बनवा लेनी है, पीडीएफ के स्कैन करवा लीजिएगा, बना लीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, आगे आ जाइए, कहता है क्या, चलो ये वाला आपके ऊपर लागू होगा तो ठीक है, अब आपने यस लिखा तो ये वाला बनवा दीजिएगा। किसी बच्चे ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि नहीं सर हमारा ये वाला, हमारा 70% नहीं, हमारे तो 3 साल की हो गई। अब 3 साल की जिनका विधि व्यवसाय हो चुका है तो उनको देखिए, उनके लिए सेकंड पॉइंट लागू होगा। दो में से आपके ऊपर एक पॉइंट लागू होगा, आपको दो में से एक पॉइंट लागू आपको करना है। अब कहता है क्या विधि स्नातक अध्याय के दौरान किसी विषय की परीक्षा आपके द्वारा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण नहीं की गई थी? अगर नहीं की गई थी, यदि प्रथम प्रयास में किसी विषय में उत्तर नहीं की गई थी तो आवश्यक विवरण देवे, ठीक है। यदि प्रथम प्रयास में उत्तर की गई थी तो लागू नहीं है। अगर आपको देखो जैसे किसी व्यक्ति का किसी रीजन की वजह से, यहाँ पर रीजनिंग देनी है, जैसे किसी व्यक्ति की 80 KT आई, अब उसको रीजन देना है कि भैया आपने, आपकी 80 KT क्यों आई थी? उसने कहा हम भैया एबसेंट थे, उसने कहा हम क्या था, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमारे घर में क्या थी, कोई शादी थी तो हम पेपर ही देने नहीं गए थे। कोई व्यक्ति ये लिख देगा कि हमारी खुद की शादी थी तो नहीं देने गए थे। कोई भी क्राइटेरिया होगा लिख दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी, यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपकी 50 और 70% है तो फिर आपको ये वाला भरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर 80 KT जिनकी आई है तो ये फॉर्म भरना है 80 KT वालों को। ये फॉर्म जो इसके पहले वाला फॉर्मेट था वो किसको भरना है, ठीक है, वो भरना था जिनको 50 और 70% थी, और ये वाला भरना है 3 साल की प्रैक्टिस वालों को। मैंने तीनों पॉइंट आपके क्लियर कर दिया, ठीक है, तीनों पॉइंट आपको क्लियर करिए, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है यदि आपने व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2022 हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 18/12/2023 तक कम से कम 3 साल, मतलब इस डेट को आपको 3 साल हो जाने चाहिए प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि अब आप बोलो सर अभी हमारे 15 दिन पहले 3 महीने हुए या 3 साल हुए, नहीं अभी 15 दिन पहले नहीं, इस डेट को 18/12/2023, क्योंकि 17 को आपकी नोटिफिकेशन आया था तो 18 तारीख को आपका 3 साल हो जाने चाहिए थे। रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया है आपने, लगातार किया है, यदि आप कहते हो कि हाँ किया है यस, तो निरंतर विधि व्यवसाय करने संबंधी आवश्यक विवरण देवे तथा दस्तावेजों को, तो आपने 3 साल तक प्रैक्टिस की है, इसके आवश्यक आपको क्या करने पड़ेंगे, विवरण देना पड़ेगा कि भाई हमारी केवल, देखिए लगातार वर्ड लिखा है, एक चीज याद रखिएगा निरंतर शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन था, अगर लगाना हो तो लगा देना, जिसने नहीं किया है किसी ने भर दिया है शायद भैया तुम्हारा किस्मत खुल जाए। मैं तो यही कहूंगा, जैसे कोई बच्चा होगा बोलेगा अरे यार हमने तो भर दिया था, हमारा भले 3 साल का हमारा रजिस्ट्रेशन पुराना हो गया है लेकिन हमने क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। तो वैसे तो देखो जनरली जो यहाँ निरंतर देख के समझ में आ रहा है तो आप बाहर हो, लेकिन मैं तो कहूंगा फिर भी भेज दीजिएगा, हो सकता है किस्मत काम कर जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, भेज दीजिएगा, ठीक है भेज दीजिएगा। बाकी उम्मीद मत करिएगा ज्यादा, उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि उम्मीद करने के लिए निरंतर शब्द लिखा है, तो आपको हर साल का निरंतर का मतलब वही उन्होंने बोला था ना पहले कि हर साल में 6 ऑर्डर शीट आपको पेश करनी है, तो शायद यही वाला रूल इंटरेक्ट लागू होगा, ये चीज अभी समझ में आ रही है। हाँ तो सारे भेज दीजिए ना, सारे भेज दीजिएगा, सारे भेज दीजिएगा। इज इट नाउ क्लियर, इज इट नाउ क्लियर, कोई मन में और सवाल किसी के? अगर सवाल नहीं है तो मैं आपको एक बहुत बड़े ऑफर के बारे में बता देता हूँ, इट इज माई ड्यूटी, और मैं चाहता हूँ कि आप इस ऑफर से जरूर जुड़े। तो अगर आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बेस्ट ऑफर चल रहा है, यू कैन मैसेज मी देयर @shahbazua, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो shahbazua पे। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो सब्सक्रिप्शन में आपको एक तो ऑफ मिल जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है, एक जो भी 50% ऑफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको एक्सटेंशन की कोशिश करेंगे कि आपको जो सब्सक्रिप्शन हो वो एक्सटेंशन के साथ मिल जाए, तो ये चीजें आपके सामने हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। वैलिडिटी इस ऑफर की 30/2024 तक रहने वाली है, कल तक। तो अगर आपके मन में है कि आपको बेस्ट एजुकेटर के साथ बेस्ट प्लेटफॉर्म में पढ़ना है तो जस्ट गो फॉर दिस, इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। और आपको जैसे ये वाली फाइल चाहिए ना, अगर किसी बच्चे को है कि सर ये वाली फाइल कहाँ मिलेगी, या और कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो फर्स्ट थिंग,
ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एट द रेट शाबाश सर यूए जुडिशरी, आपके पास दूसरा तरीका है, एट द रेट लिख के शाबाश सर यूए जुडिशरी से जुड़ जाइए। तीसरा है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आखिरी है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो एट द रेट शाबाज यूए पे, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज करिए, मैं आपको क्या करता हूँ, जो भी आपके मन में सवाल होंगे या जो भी पीडीएफ से या जो भी है वो सारी की सारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा एकलव्य बैच है, इस बैच से जुड़ सकते हो, आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, 1 साल में आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्राइसिंग है, अभी ड्यूरेशन क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है और डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, हर प्राइस में आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इट इज नाउ नेवर ऑफर है, इफ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन दिस इज अ टाइम फॉर यू, यू कैन यूज अ कोड शाबास10, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एश्योर करता हूँ कि अगर आप एक बार प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर आपको मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कभी आप निराश नहीं होंगे। जस्ट एक बार आप केवल अपने जो सपना है उससे केवल एक क्लिक दूर हैं। आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करिए, मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा जो आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है। या जो भी आपको पीछे पूरा बताया ना था लिंक वगैरह, यहाँ से आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दिए, शाबाश यू, डायरेक्टली आपको स्पेस नहीं देना है। और आप जानते हो कि मैं आपको हमेशा हेल्प करता हूँ, यहाँ भी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। और भैया एक बार आपसे बस चाहूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे सारे लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, इतने सारे लोग हैं वीडियो में, लाइक्स कमाए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अगर मन में कोई सवाल हो तो टेलीग्राम में जरूर भेजिएगा, आपके उन सवालों को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उत्तर करने का, अगर छोटा मोटा सवाल होगा तो आपको वन टू वन आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर कोई बहुत सारे लोगों के कोई एक कॉमन सवाल हुआ तो वीडियो भी जरूर बना दूंगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।